एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। यूपी में एक दिन के अंदर 1000 से कम कोरोना के केसेस मिले। कोरोना के नए स्ट्रेन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश ये हैं कि बेहतर व्यवस्था रखें। कोविड हॉस्पिटल्स में, कोविड चिकित्सालय में बेहतर व्यवस्था रखी जाए। आरोग्य मेले के आयोजन में सभी तैयारियां रखें। एक बड़ी जानकारी, 15000 से भी कम अब एक्टिव केसेस हैं यूपी में। और अच्छी बात है कि 1000 से भी कम केसेस आए बीते 24 घंटे में। 945 का आंकड़ा सामने आया है। 1585 लोग ठीक होकर घर भी गए, डिस्चार्ज हुए। लखनऊ में 24 घंटे में 213 नए पॉजिटिव केस मिले, तो 203 लोग पूरी तरह से स्वस्थ होकर घरों को लौटे। और अब तक 582920 लोग उत्तर प्रदेश में कुल संक्रमित हुए और उसमें रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। अगली खबर बरेली से है, नकली शराब से जुड़ी हुई है। उसका भंडाफोड़ हो गया है वहां पर। पुलिस ने भारी मात्रा में जहरीली शराब वहां पर बरामद की है। ब्रांडेड शराब के रैपर, ढक्कन, ये तमाम चीजें मौके से मिली हैं। 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इलाके में लंबे वक्त से नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी, आखिरकार पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। तस्वीरें देख लीजिए आप। मथुरा में मामूली कहासुनी पर जमकर बवाल देखने को मिला। दबंग ने स्कूटी में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में ये पूरी की पूरी वारदात कैद हुई है। आए दिन दबंग पीड़ित को यहां परेशान करते थे। आप एक तस्वीर देखिए जो सीसीटीवी में कैद हुई, इसकी घटना, इसकी करतूत। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, पुलिस पर यह आरोप है। कृष्णा नगर चौकी के जमुना नगर की यह घटना है। पुलिस पर आरोप है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। और तस्वीर आपके सामने की कैसी करतूत है इस शख्स की। एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।